एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक्शा डायरीज। मैं आ चुकी हूँ एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। तो भाई आज यूनिक्शा डायरीज की प्रतीक्षा का है बर्थडे, और हमेशा से ही ना मैं अपने बर्थडे के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब से। और बर्थडे आने से पहले, 1 मंथ पहले ही ना मैं एक्साइटमेंट मेरी लेवल हाई हो जाता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी, क्या पहनना है, क्या ये सब हर चीज़ रहती है। वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है जब आप एक मदर बन जाते हो। आपने देखा कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया था, वो छोटा सा सेलिब्रेशन। हम हमेशा रात को 12 बजे केक, जिसका भी बर्थडे होता है ना घर पे, हम हमेशा रात को ना केक जरूर कट करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली रात को इस मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे बर्थडे पे यूनिक नहीं आ पाया, उसको कोई अर्जेंट काम था, तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं बट कल तेरे बर्थडे वाले दिन ज़रूर रहूँगा। और देखते हैं, लेट्स सी कल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि कल मेरा स्कूल भी है। तो कल स्कूल जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, कैसे मतलब पूरा दिन मेरा कैसे जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे हमेशा से मैं आपको अपने दिन शेयर करती हूँ आपके साथ, वैसे ही ये वीडियो भी होने वाली है। तो प्लीज़ गाइज, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हमेशा जैसे प्यार देते आए हो हमेशा वैसे ही बनाए रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आई एम बैक। और अपडेट ये है, अभी ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चुका है, आज स्कूल था तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है यार स्कूल के साथ। और दिन भी ना, क्योंकि विंटर्स बहुत अचानक से आ गई है, लाइक अभी बर्थडे से 2 दिन पहले तक ना बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। मैंने इवन अपने जो बर्थडे की आउटफिट मंगवाई है ना, वो भी स्लीवलेस है, तो मैंने सोचा था इतनी अभी ठंड है नहीं, आराम से पहन लूँगी। बट अभी 2 दिन से ना रोज़ सुबह इतना ज़्यादा फॉग है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड आ गई। तो पूरा दिन आज स्कूल में हेक्टिक रहा है बहुत ज़्यादा। स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, और जब लास्ट में टाइम मिला, बिल्कुल लास्ट में, और सारी टीचर्स ने केक वगैरह मंगवाया था, बहुत अच्छा लगा। तो उसकी वीडियोस देखती हूँ, अगर वीडियो है तो वो मैं अटैच कर दूंगी। तो फिलहाल तो अभी तक ऐसा गया है मेरा दिन, और स्कूल में मैं ये वाली कुछ आउटफिट पहन के गई थी, आप देख सकते हो ये टॉप, क्योंकि स्कूल में मोस्टली फॉर्मल्स ही पहनते हैं, तो वहाँ पे ऐसे आप कुछ नहीं पहन सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शर्ट पहनी जाए, शर्ट के साथ मेरे पास ये टॉप था पूरा, मतलब पूरा ये दोनों कंबाइन ही है, एंड साथ में ब्लैक जीन्स। तो ऐसे कुछ मैं गई थी, मैं अभी आपको पूरी आउटफिट दिखा दूंगी। और उसके बाद अभी वेट करते हैं, आज यार धूप भी नहीं निकली, ठंड बहुत है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बर्थडे की आउटफिट वाली पहन भी पाऊंगी या नहीं। तो अभी वेट कर रहे हैं यूनिक का, क्योंकि यूनिक जब नहीं आया है अभी तक, तो यूनिक आएगा फिर हम रेडी होके देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है, अभी कुछ नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे मेरा दिन गया है बर्थडे का, अब आगे जैसे होता है क्या सेलिब्रेट करते हैं क्या करते हैं वो सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो स्टे ट्यून, और वीडियोस को अब तक देख चुके हो तो गाइज लाइक प्लीज़ कर देना, और कमेंट भी करना, ब्लेसिंग्स देना अपनी बहुत सारी। सहज तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरी मम्मी का बर्थडे, सारे फ्रेंड्स को अपने बताया उसने, तो वो तो बहुत एक्साइटेड है। तो उसकी एक्साइटमेंट देख के मुझे ना खुशी होती है कि चल यार बर्थडे है, बर्थडे, मतलब वो ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। तो ओके गाइस, अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, और काफ़ी लेट हो गए हैं, 9 बज गए, क्योंकि यूनिक बहुत लेट आया है, तो जल्दी टाइम से निकलने का मूड था बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और अभी आप, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी फाइनल आउटफिट। सो दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे, तो ये मेरी बर्थडे आउटफिट है। बट जैसे कि ठंड है तो मैं साथ में कुछ रखूँगी, जैकेट वगैरह मैं लेके रखूँगी, और ये सहज रेडी हुई है ऐसे। तो बस चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है बर्थडे, बट आगे चल के देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी रात हो गई है और अब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऑल सारे ना रेस्टोरेंट जल्दी ही बंद हो जाते हैं, तो
चलते हैं वहाँ पे, जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन। तो उस दिन हम लोग गए थे लेमन ट्री में, एक दिन हम गए थे एस लॉन्च। अब यहाँ पे ना तीन हैं, तो आज हम जाने वाले हैं जुकीना जो कि इसके टेरेस पे है, तो आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं। मैंने बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैं जुकीना ना किसी ओकेजन पे जाऊंगी, लाइक अपने बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे। फाइनली वो दिन आ गया, तो आज जा रहे हैं हम जुकीना। हम लोग आ चुके हैं भाई, चुके हैं। और वहाँ पे ना सहज के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं था, तो अभी हम सहज के लिए जा रहे हैं कहीं और, ताकि हम कुछ उसे खिला दें, क्योंकि जो भी शेक एंड हर चीज़ थी उसमें वो बर्फ़ वगैरह पूरा ठंडा था। और अब हम सहज को ना कोई भी ड्रिंक या कुछ भी ऐसा लाइक अवॉइड ही करते जिसमें उसमें बर्फ़ हो, आइस हो, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे पता नहीं था इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया हुआ है।